हाउ इज़ इट गोइंग गाइस। तो अब मैं आ गया हूँ सेकेंड वाला गेम प्ले लेके तुम्हारा पीटीएस सर्वर से। ये है तुम्हारा लिफियन का भाई, क्या बोले। कल मैं कोशिश किया था लिफियन खेलने के लिए, पर लिफियन मेंटेनेंस में था कल भी, तो मैं सोचा कि आज मैं खेल लेता हूँ, इसका गेम प्ले बना दूंगा और भाई इसका मूव सेट सब चेकआउट कर लूँगा। तो यही कोशिश है ये वाला गेम में भी कि मूव सेट बस चेकआउट कर लूँ। वैसा भी भाई पीटीएस सर्वर में पूरा कॉम्पिटेटिव वाला तुम नहीं खेल सकते हो। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इसका मूव सब स्टार्टिंग का कैसा काम आता है। इसको भी वैसे ही हर ईवी की तरह स्विफ्ट मिला हुआ है फर्स्ट वाला मूव में, और भाई हमको लगता है इसका डैमेज भी बहुत अच्छा है, डिसेंट डैमेज है भाई स्विफ्ट का। तो तुम हम बोल सकते हैं इसको बॉटम लेन में भी खिला सकते हैं सिक्योर एक्वायर करने के लिए, क्योंकि लेवल 4 में इसका मूव सेट आ जाएगा तो तुम अपना फार्म और सामने वाले का एक दो फार्म भी स्टील कर लोगे तो भाई ईजिली हो जाएगा। और इसमें मैं अटैक वेट खेल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कौन सा आइटम खेलना चाहिए करके, तो मैं इसमें अटैक वेट खेल रहा हूँ। उसके बाद भाई स्टैक कुछ स्टैक करने देता तो समझ भी आया, इलोंग भाई देखते हो पीछे लग जाता है। यहाँ पे भाई इलोंग ये वाला मैच सब में भी कॉम्पिटिटिव जैसा खेलना स्टार्ट कर देता है पूरा। उसके बाद चलो यहाँ पे हमको बस यही कोशिश है कि लेवल 4 पहुँचना है, इसका मूव सब चेकआउट करना है। मैं इसका 2-3 गेम प्ले देखा हुआ, ठीक है। अरे भाई क्या डैमेज दे दिया यहाँ सोबल, तो भाई सोबल का स्टार्टिंग वाला डैमेज खतरनाक है, वो वाटर गन या जो भी है भाई एकदम खतरनाक डैमेज दे देता है। देखे थे कितना ज़्यादा डैमेज दिया था, हम तो भाई हमको लगा 30-40% मेरा हेल्थ है तो मरेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे वैसे मैं स्पीडस्टर हूँ तो भाई मेरा क्या बोलते हैं हेल्थ तो कम ही रहेगा ही, ताकि ओवर बफ ना रहे ऑलराउंडर जैसा। उसके बाद चलो हम सोलर ब्लेड खेलेंगे। ये वाला मूव का गेम प्ले सब देखा हूँ, मुझे बहुत ही पसंद आया था, और भाई क्या ही डैमेज है भाई ऐसा रहा तो भाई 20 सब क्लियर करने के लिए बहुत ही ईजी पड़ेगा। चलो यहाँ पे 6 का स्टैक्स करता हूँ नाइसली, और उसके बाद यहाँ पे केवल सोबल है तो इसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा कि चार्ज कैसे होता है करके सोलर ब्लेड इसका, इसमें थोड़ा टाइम लगता है चार्ज होने के लिए। उसके बाद शायद ये तुम्हारा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तुम्हारा चार्ज अटैक के ऊपर भी रहता है शायद, हमको लगता है, क्या मालूम। अभी भी हम इसको चेकआउट कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं इसका अभी अच्छा से, हमको मालूम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं, ये वाला लेते हैं, चार्ज किया, ओ भाई थोड़ा सा बच गया, चलो कम से कम सोबल लिया नहीं। और यहाँ पे कॉस्ट टैक्स हो गया अटैक वेट, जितना अटैक वेट है भाई एकदम पीटीएस सर्वर में खेलो ना तो भाई अटैक वेट लगा लो, समझा, एकदम चेकआउट करने के लिए अच्छा रहता है कि तुम मैक्सिमम डैमेज कैसे निकाल सकते हो। इसका भी एकदम लेवल 6 में आता है नाइस, और यहाँ पे हमको लिप ब्लेड मिल गया, पर देख रहे हो भाई ये लोग ग्लेशियन तेशियन खेल रहा है पीटीएस सर्वर में, अच्छा खासा डैमेज देने के पीछे पड़ा हुआ है। और ये वाला मूव भी बहुत अच्छा है लिप ब्लेड। उसके बाद ना यही चीज़ होता है, देखते हो इधर उधर चला जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन डैमेज तो अच्छा खासा दे रहा है और लिप ब्लेड का भी डैमेज अच्छा है भाई। सोबल उधर जिंदा बचा हुआ है, चलो अपना इंटेलियन आ गया उसे संभाल लेगा। तो यहाँ पे हम 6 टैक्स कर लेते हैं और उसके बाद देखा जाएगा जो करना है। इसमें मैं तुम्हारा वीकनेस बोल रहा हूँ, इसमें मैं कुकीज़ भी खेल रहा था ताकि डबल स्टैकिंग करूँ करके कि थोड़ा सा हेल्थ बन जाए, क्योंकि जानते हो भाई कितना ही ख़राब रहता है तुम्हारा हेल्थ स्पीडस्टर सबका, इसलिए मैं सोचा कि फाइट सब में सर्वाइव करने के लिए थोड़ा देर ज़्यादा। तो चलो नीचे की तरफ चलता हूँ, वैसे मैं मर गया था यहाँ पर, अरे भाई सामने वाला बंदा तो पॉप ऑफ कर रहा है, अरे यार पहले ही मार दिया मैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे वैसे इसको निकाल ही लूँगा, थोड़ा चार्ज होने देता हूँ, और अरे भाई भाग गया, कोई बात नहीं, चलो पीछे होता हूँ, यहाँ पे अपना हेल्थ उल्थ रिकवर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वैसे मेरा एक टीममेट्स ऑफलाइन है शायद, तुम्हारा ड्रैगनाइड ऑफलाइन है शायद हमको लग रहा है, कोई बात नहीं भाई होते रहता है। चलो यहाँ पे कोशिश करते हैं, यहाँ पे सिक्योर करता है और सिक्योर हो गया नाइस। तो हम बोलेंगे ना भाई सोलर ब्लेड से सिक्योरिंग सब अच्छा रहेगा, और भाई ये बंदा भी आ गया, हमको पीछे होना पड़ा। यहाँ पे देख रहे हो कितना जल्दी सामने वाला बंदा मेल्ट कर दिया, वैसे मेरा अल्ट आ गया, अल्ट चलाते हैं, अरे भाई अल्ट से मत बच जा भाई, अल्ट से मत बच जा, अरे क्या ही निकाले थे भाई यहाँ पे, चलो तोड़ते हैं इसको जल्दी से। उसके बाद नीचे वाला लेने का कोशिश करेंगे, वही चीज़ है भाई टेस्ट सर्वर है, बंदा ऑफलाइन है, अच्छा फुल कैपेबिलिटी के साथ नहीं खेल सकते हो, इसलिए हम लोग उतना परफॉर्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे, बस इसका मूव सब चेकआउट करेंगे कितना डैमेज सब कर सकता है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सिक्योरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है ऑब्जेक्टिव सोलर ब्लेड, अच्छा खासा तुम सिक्योर कर सकते हो, और डैमेज तो खतरनाक दे ही रहा है, देख रहे हो क्या ही मेल्ट करता है, अरे यार भाई देख रहे हो ड्रैगनाइट क्या मुझे एकदम दिमाग खराब कर रहा है, क्या कर रहा है वो बंदा, असली बंदा है कि बॉट है समझ में नहीं आ रहा है, हमको तो लग रहा है बॉट है क्योंकि असली बंदा वैसा खेल ही नहीं सकता है, बट निकाल लिया इंटेलियन को। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी अपना फार्म बनाते हैं, फिर से एक अल्ट बना लेंगे। वैसे यहाँ पे दोनों को डैमेज देने का कोशिश किया था, बट एक ही को डैमेज दिया, लेकिन कोई बात नहीं, सोलर ब्लेड का डैमेज बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर रेड बफ लूँगा, उसके बाद चलूँगा तुम्हारा फाइट के लिए,
किधर जाओ, टॉप तरफ चलता हूँ, टॉप में ढेर सारे बंदे दिख रहा है, वहाँ पे हल चलाने भी मिल जाएगा तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे चारिजार्ड है, अल्ट चला और डैमेज अल्ट का नहीं है भाई उतना हमको लगता है। अरे यार क्या ही डैमेज दे रहा है, वो लम मूव बहुत ओपी हमको लगता है इंटेलियन का, जो एकदम लगातार डैमेज देते रहता है, गन वाला जो है खतरनाक लगता है खेलने के लिए, बहुत ही मज़ा आता है वो मूव। कोई बात नहीं, हमको यहाँ पे लीफियन भी अच्छा ही लग रहा है, लीफ ब्लेड भी अच्छा मूव है, ये दोनों अच्छा मूव है लेकिन ओवर बफ नहीं है, ठीक है। बाकी भी जितने ओपी पोकेमॉन्स रहते हैं जो एकदम डैमेज खतरनाक देते हैं स्टार्टिंग से, वैसा नहीं है। अगर इसको थोड़ा मोड़ा भी बफ मिलेगा ना तो उतना मैटर नहीं करेगा, इसको थोड़ा मोड़ा बफ मिल सकता है ना, तो बफ नहीं भी मिलेगा तो फिर भी नहीं मैटर करेगा क्योंकि डैमेज सब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हेल्थ तो कम रहेगा ही क्योंकि तुम भाई स्पीडस्टर है, स्पीडस्टर का हेल्थ पहले से कम रहता है इसलिए उसमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ भाई, हमको अम्ब्रियन से डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओपी पोकेमॉन लग रहा है यार। टेस्ट सर्वर में भी ऐसा रिलीज कर किया होगा तो हालत ख़राब हो जाएगा मैनुअल गेम में, वो बंदा इधर उधर भागने ही नहीं देता है एकदम, उस चीज़ के चलते हमको लग रहा है प्रॉब्लम करेगा वो। चलो यहाँ पे जल्दी जल्दी 20 को रिकवर करते हैं, उसके बाद यहाँ पे वेट करेंगे वो लोगों का आने का और देखते हैं कोई आ रहा है क्या। यहाँ पे देखे पहला बंदा को, उसी के पर राल्ट चला दिया, नाइस मेल तो बहुत अच्छा खासा कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो लैप्रस है भाई, लैप्रस को कितना देर संभालने पाता है देखते हैं, और मरेगा लैप्रस भाई। क्या चीज़ का शील्ड मिला है लैप्रस को, अल्ट मार दिया है क्या, बड़ी बैरियर खेल रहा है, इतना गंदा शील्ड मिलेगा भाई इसको चेस करके मारना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, चल बॉटम की तरफ चलते हैं, रेजी कौन सा आया होगा, अगर सिक्योर करना पाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। और क्लियर करने के लिए भी मॉब सब ना बहुत ही काफ़ी ओपी हम बताएंगे ये पोकेमॉन को। अल्ट रेट भी उतना ख़राब नहीं है, चार्ज ठीक ठाक हो ही जा रहा है, उतना फास्ट भी नहीं हो रहा है काफ़ी भी सबके जैसा, वो लोगों का भाई बहुत ही फास्ट होता है। यहाँ पर देखो चारिजार्ड अल्ट मारा है, पीछे हो जाते हैं शांति से, उसका अल्ट खत्म होने देते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ पे देखो मेरे पीछे बन गया बंदा, पड़ गया पहले, यहाँ पे भागने पाएंगे, लग नहीं रहा है, बचना तो मुश्किल है। यहाँ भाई इजेक्ट मार के मार रहा है, देख रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे ऊपर में तुम्हारा डायगोनाइट स्कोर किया है, फिर भी कम ही स्कोर होगा हमको लगता है। अल्टी हमको थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा है, हम क्या बोल रहे, डैमेज नहीं है अल्टीमेट में, और उस करता क्या है वो भी हमको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डिबफ सब करता होगा एनिमी टीम को तो वो भी होगा, लेकिन डैमेज तो काफ़ी कम है, डैमेज हम बोलेंगे एक तरह से, क्योंकि तुम्हारा तुम देखे हो कोई भी, तुम ये देखो कोई भी स्पीस्टर देखो, वो लोगों का डैमेज तुम चेकआउट करो एकदम ख़तरनाक रहता है। जोरोवाक का डैमेज देखो तुम, इसका डैमेज देखो तुम, एप्सोल का डैमेज देखो, ये सब का डैमेज देखो ना कितना खतरनाक है, यहाँ तक टैलेंट फ्लेम का डैमेज भी अल्टी का बहुत है। हमको लगता है बस डैमेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, ऐसा ये इंटेलियन को भागने तो नहीं देंगे। लीफ ब्लेड काफ़ी ओपी हमको लग रहा है, लीफ ब्लेड का जो इधर उधर तुम मूव बनाने पा रहे हो ना वो चीज़ काफ़ी ओपी लग रहा है। और यहाँ पे चारिजार्ड नाइस, अरे भाई एक एच पी में बच, अरे यार हेल्थ ही नहीं है भाई इस पोकेमॉन में, दो तीन हिट पड़ता है और तुम मेल्ड हो जाते हैं। वहाँ पर लैप्रस का डैमेज है, तुम लैप्रस उतना डैमेज देता भी नहीं है, फिर भी भाई क्या प्रॉब्लम तो है इस पोकेमॉन के खेलने में, काफ़ी ज़्यादा स्क्वीसी है भाई, ये तो प्रॉब्लम करेगा आगे जाके। चलो मिडिल के लिए चलते हैं, वहाँ पे अगर एक दो बंदा को भी निकालने पाएंगे तो काफ़ी ओपी रहेगा। अपना ड्रैगनाइट भाई हवा में बेसिक अटैक मार रहा है, वो भी सही है, जैसे नीचे साइड में ना ऊपर साइड में भी कोई डालने आ सकता है, उसको निकाल सकते हैं, देखते हैं। वैसे ग्लेशियन मिला है, ग्लेशियन से 1v1 करने पाएंगे कि नहीं वो देखते हैं लोग यहाँ पे। और यहाँ पे ग्लेशियन स्कोर किया, उसके स्कोर करने देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चढ़ते हैं। अरे भाई ग्लेशियन का इतना डैमेज कैसा है यार, उसके बाद ग्लेशियन को अल्ट मारना पड़ा, चलो कम से कम ग्लेशियन मारा, 1300 का डैमेज दिया, ठीक ठाक है 1300 का डैमेज। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नीचे साइड में कुछ हो रहा है क्या, कोई बंदा यहाँ पे, मेरा टीममेट्स लोग काफ़ी निकाल लिया तो हम ही लोग के वापस आ जाते हैं। चलो यहाँ पे अगर इस मतलब ट्राई भी करेगा ना, क्या बोलते हैं तुम्हारा रिक्वाइजर लेने का ट्राई करेगा तो कम से कम हमको पता चल जाएगा कि सोलर ब्लेड से भाई सिक्योर करने में कितना ईजी यूज ये कर गया। वैसे यहाँ पे अल्ट उल्ट चलाया है भाई, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, मेरा टीममेट्स लोग ठीक ठाक खेल रहा था। चलो हम मेल्ट पे ध्यान देखते हैं कि सिक्योर करने के लिए क्या रहेगा ना, वो भी पता चल जाएगा। अच्छा मेरा यहाँ पे बजबल थोड़ा ध्यान दे दे, यहाँ पे चार्ज किए हैं फिर भी भाई, अरे भाई मिस हो गया यार, अरे यार क्या हो रहा है इतना डैमेज, और देखो सिक्योर कर लिया सोलर ब्लेड ठीक ठाक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एनिमी ऊपर चढ़ेगा तो भाई सिक्योर करना उतना ईजी नहीं है। लेकिन देखे ना तुम, हम तुरंत चार्ज भी नहीं किया था सोलर ब्लेड को और मारे फिर भी अच्छा खासा डैमेज दे दिया, तो हम बोलेंगे एक तरह से भाई अच्छा खासा सिक्योर कर सकते हो तुम ऑब्जेक्टिव सब इस पोकेमॉन के साथ। सोलर ब्लेड का हमको ठीक ठाक डैमेज लिखा, लेकिन चार्ज करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, फुल चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन
अगर तुम, अब ऐसा नहीं है कि तुमको पूरा चार्ज ही करके मारना है, करके तुम फुल चार्ज किए बिना भी तुम इसको दोबारा प्रोक कर सकते हो, मतलब फुल उसका प्रोसेस कर सकते हो। और यहाँ पे देखो 1v1 करना चाह रहा है, पहले मैं स्कोर करूँगा उसके बाद देखता हूँ। यहाँ पे अल्ट चलाता हूँ और ये बंदा भी अल्ट चला दिया, और कम से कम देखो ग्लेशियन को तो निकाल लिया। भागता हूँ यहाँ पे, देखते हैं भाग ना पाते हैं कि नहीं, और दौड़ा रहा है क्या भाई। यहाँ पे निकलते हैं, हमको ना लीफ ब्लेड काफ़ी ओपी लग रहा है, क्योंकि उसमें इतना मूवमेंट है ना कि क्या बताए, तुम इधर उधर भाग सकते हो इजिली, उसका रेंज बहुत बड़ा है लीफ ब्लेड का हमको लगता है। और हीलिंग, हीलिंग्स नहीं है लगता हमको इसमें, हीलिंग्स है क्या लीफ ब्लेड में, लग रहा था थोड़ा सा तो लाइफ स्टील है। तो गाइस तुम लोगों को कैसा लग रहा है बताओ, लीफियन काफ़ी अच्छा पोकेमोन है, अगर थोड़ा सा अल्टी में डैमेज बढ़ा देगा तो और भी मज़ा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो इन्जॉय किया इस पोकेमोन को। तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में पता, अच्छा लगे तो लाइक और सब करना मत भूलना। तो सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो।